अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, टाइम से आंख ही नहीं खुली। शायद अग्नि कुछ ना कुछ बना दी होगी। अब तुमने सबके लिए नाश्ता बना भी दिया? जी मम्मी जी, वो कल आपकी मौसियाँ देर रात तक रुकी थी ना, तो मुझे पता था कि आप थकान की वजह से सुबह उठ नहीं पाएंगी, इसीलिए मैंने सब बना दिया। पर अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप बना लीजिए, ठीक है? अब जब नाश्ता तुमने बना ही दिया है तो जाओ, बाहर जाके सबको सर्व कर दो। मैं सबको सर्व कर देती हूँ, आप बैठिए। उसकी जरूरत नहीं है अभी। आज मैं सबको सर्व करूंगी। वो आज सुबह उठने में मुझे देर हो गई, तो आज का नाश्ता रूही ने ही बनाया है। अरे वाह भाभी, वैसे भी भैया आप क्या खाना बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। सुनो, कल महाशिवरात्रि है और हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में महापूजा होगी, तो समर, अवनी और दामाद जी, आप लोगों को ही सारी तैयारियां करनी है। जी। मम्मी जी, क्या मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ? रोही बेटा, ये भगवान का काम है, इसमें किसी से भी कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वो करो। अरे भाई, मैं भी अपने कुछ खास लोगों को निमंत्रण भेज देता हूँ। अरे भाई, सब नाश्ता करो। नहीं, रहने दो, मैं जूस पी लूंगा। नाहजी, ये देखिए, मैंने आपके पसंद का चीला बनाया है, प्लीज खा लीजिए, कल भी आपने ठीक से नहीं खाया था। प्लीज ऐसे खून कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं, वो अचानक से चम्मच से लग गया। अरे पर अगर ऐसे ही खून निकलता रहेगा तो सारा टेबल गंदा हो जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ साफ करवा देती हूँ। चलो जाओ, चलो देखो कितना खून निकल रहा है। चलो अग्नि, तुम्हारे हाथ में फोक कैसे लग गया? देखो कितना खून निकल रहा है। कहीं तुम उस पर किसी बात का गुस्सा तो नहीं निकाल रही थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि प्लीज, ऐसे तुम खून मत बहाओ, ऐसे खून बहाना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें खून बहाने का इतना ही शौक है तो डोनेट कर दो ना। अब मेरा मतलब किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा क्या? अब सॉरी अभी मैं मजाक कर रही थी, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए लेप बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पे पट्टी कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सबको खाना क्या बना के खिला दिया? अपने आप को बहुत स्मार्ट बन रही है।
इसको तो मैं अब भी बताती हूँ। दादी जी का मैसेज क्या है? जिक्रत्यम पलक, कल हम नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, आज हम एक घंटे में मिलेंगे, तुम्हारे घर के पास वाले मंदिर में आ जाना। ये इतनी बेसब्र क्यों हो रही है मुझसे मिलने के लिए? आखिर चल क्या रहा है ये खुराफाती दिमाग में? टेक्स्ट पैक कर देती हूँ, ठीक है दादी। स्पेशल रोज फॉर माय स्पेशल वन। थैंक यू। कुछ और भी? क्या है? मेरे प्यार के लिए ये प्यारे प्यारे गिफ्ट। दैट्स सो क्यूट, थैंक यू। आप एक सेकेंड, वो आज शिवरात्रि है ना? क्यूट, वेरी क्यूट, थैंक यू। मुझे पता था यार, मैं हमारी पुरानी यादें दोहराऊंगी, तुम्हें हमारा प्यार जरूर याद आएगा। अरे ये संदूक यहाँ कैसे आया? ये आशी थी ना, आई एम सो सॉरी नार, वो मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी और आशी मेरा सामान लेके इधर उधर भाग रही थी और यहाँ लाके रख दिया उसने। I'm so sorry. It's okay. वैसे नाहर, अब तुम्हारे लिए ये यादें कोई मायने नहीं रखती ना, क्योंकि इनकी जगह अब तुम्हारे जिंदगी में रूही के रिश्ते ने ले लिए। लेकिन आज भी ये यादें मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितनी तब रखती थी। अब और ये किचन, तुम्हें याद है नाहर, मेरे बीमार होने के पहले शिवरात्रि पे तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया था। ये लेटर्स, जब हम लोग एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, तब ये एक दूसरे के लिए लिखा करते थे। They are still very close to my heart. आदमी वो मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है। अब हाँ हाँ, तुम अपना काम कर लो। इसे यही रख देती हूँ, ये यहाँ रहेगा तो नाहर को हमारी पुरानी यादें याद आती रहेंगी। अग्नि, तुम यहाँ? वो मैं और नाहर हमारी पुरानी यादें याद कर रहे थे। भले ही हमारे बीच आज दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन पहले इतना गहरा रिश्ता था कि उसके यादें भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं चलती हूँ, तुम जाओ नाहर को कॉफी दे दो जाके। मुझे पता है अपनी ने अपना सामान जान बूझ कर मेरे और नाहर जी की कमी में छोड़ दी, जिससे वो नाहर जी को अपने और उनके पुराने रिश्ते की याद दिला सके। मुझे अपने को एहसास दिलाना होगा कि अब नाहर जी मेरे पति। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।